क्या आपको लगता है महिला सुरक्षित है हिंदुस्तान में? महिला सुरक्षित नहीं है हिंदुस्तान में इस समय जी, और इसके जिम्मेदार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं जी। देश की पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इस विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? मैं मीडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि देश के जिम्मेदार लोगों से पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है, इन मुख्यमंत्रियों से, माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था को लेकर इतना लाचार क्यों है। एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को। माननीय जी हमारे मुस्लिम महिलाओं के लिए तो बहुत बड़े रहनुमा थे, खैर मुझे ये चीज़ बोलना नहीं चाहिए, यहाँ मसला दूसरा था। माननीय प्रधानमंत्री जी मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत बड़े रहनुमा कहते थे अपने आप, जबकि मुस्लिम महिलाओं 3 तलाक के बारे में जब हुआ कितने नेता सामने आए, आए भाइयों की नहीं आए, कितने नेताओं ने कहा, रुक जाइए बोलिए जी, कितने महिलाओं कितना क्या कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक को लेकर, जबकि मुस्लिम महिलाएं 0.5% विधवा बैठी हैं, इसी के एवज में हमारी हिंदू बहनें 0.7% बैठी हैं, मसला वही है ठीक है। तब मुस्लिम महिलाओं की याद आई, आज हमारी बच्ची 8 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, मंदिर में रेप हो रहा है, जब मंदिर मस्जिद में बच्चियां सेफ नहीं है तो स्कूलों में कहां से सेफ रहेंगी, आप बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं 2 शब्दों में यही चाहूंगा कि अगर इंसाफ दे सकते हैं हमारी बच्चियों को तो इंसाफ दे, नहीं तो कुर्सी छोड़ दे। 4 साल पहले जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो लाल किले में खड़े हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया, तो आपको लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सफल रहा 4 साल तक? माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारे भाषण दिए थे, तरह तरह की बातें कही थी उन्होंने, उन्होंने तो ये भी कहा था 15 लाख रुपए देंगे। देश के साथ छलावा हुआ है, देश के साथ गद्दारी हुई है, नौजवान किसान मजदूर व्यापारी भाई मर रहे हैं ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश घूम रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से इस मीडिया के माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब तक के लिए इस देश के लिए क्या किया, गरीब मजदूरों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया? आज भी किसान जो है आत्महत्या कर रहा है, क्या किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने? उन्होंने कहा था मैं देश का चौकीदार हूँ, दिन रात भगवा आतंकी लोग बोलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। अरे भैया वो कौन सी मेहनत करते हैं, बॉडी मसाज कराते हैं विदेश में, वो मेहनत है? हम हिंदुस्तानियों को बताएं वो कौन सी मेहनत करते हैं, विदेश में कौन सा पापड़ तलने जाते हैं, वो बताएं हमको। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी उतना हक है जितना उनका है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं आया, विदेश दौरे पे चले गए हैं, प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में हम नहीं कहेंगे, हमारे देशवासी कहेंगे, हमारे देशवासियों को चाहिए ऐसे लोगों को। और मैं आपसे वादा करता हूँ इस मीडिया के माध्यम से, हमारे इंशाअल्लाह ताला यही जनता यही देशवासी एक दिन ऐसी सरकार को, ऐसी निकम्मी सरकार को इस जड़ से उखाड़ने का काम करेंगी, यही जनता यही आवाम। आज आप जो देख रहे हैं ये खाली मुंबई के बहरामपाड़े में नहीं हो रहा है, पूरे देश में चल रहा है। आसिफा के लिए उन्नाव में रेप केस हुआ, जगह जगह हो रहा है। सबसे पहली बात तो जब ये सरकार आई थी तो कानून व्यवस्था इनका सबसे पहला जो स्पीच था। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जितने भी एजेंडे दिए इन्होंने कि ये काम करेंगे वो करेंगे, इनका एक भी एजेंडा पूरा हुआ हो तो बताएं, इन्होंने एक भी धरातल जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं किया है। अगर कोई काम भी किया हो जमीनी स्तर पे तो बताएं। देखिए किसको 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 सजा होनी चाहिए, कठुआ असीफा असीफा वो लोगों को, जो ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए जिन्होंने 8 साल की मासूम बच्चियों के साथ ये हरकत की। भाइयों ये बच्ची खाली यहीं पे नहीं हुआ है, हर जगह हुआ है, और उसको जिस दरिंदे ने यह हरकत किया है वो भी किसी का बेटा होगा, वो भी किसी का भाई होगा, उसकी भी कोई औरत होगी, उसकी भी कोई बहन होगी, उसको जरा सा भी ये नहीं आया कि मेरी भी एक बेटी होगी ऐसी। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरे इसमें सिर्फ एक सोच है जो इन घटनाओं के पीछे घुसपैठी साजिश जो सोच है, और ये घटना खाली कश्मीर की नहीं
अगर मैं सरकारी डाटा के हिसाब से बात करूँ तो रोज 90 रेप केसेस हिंदुस्तान में रजिस्टर होते हैं, और इन केसेस को दबाने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ी सोच जो सरकार के माध्यम से देश में चल रही है, तो उस सोच को हमें मारना पड़ेगा। ऐसी सरकारों को हमें झुकने पर मजबूर करना पड़ेगा। और ये इतनी दर्दनाक घटना, जो कि जिस समय मुझे ने खबर पड़ी मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे, और मैं उन ताकतों को, उन सोच को ये भी बता देना चाहता हूँ कि एक इंसान, वो इंसान जब तक होता है जब तक उसके सपने नहीं तोड़ते, और यहाँ तो उसका पूरा जीवन तोड़ दिया गया, उस सोच को तोड़ा गया। तो जब हिंदुस्तान के युवाओं के और हिंदुस्तान की ऐसी महिलाओं के, लड़कियों के सपने तोड़े जाते हैं, उनका जीवन तोड़ा जाता है, तो फिर हिंदुस्तान ही भाई। An act of terrorism is not only bomb blast. You're killing people in public places, you're blasting bombs, so you're a terrorist. It doesn't confine to that. Whatever has happened to this kid in Kashmir is also an act of terrorism, I feel. If 93 bomb blast ke culprits ko agar sazae maut di gayi hai, jinhone atma samarpan kiya hai, unko bhi sazae maut di gayi hai, तो फिर ये केस में डिले नहीं होना चाहिए, इसको भी झट से रूटीन में लाकर, केस रिकॉर्डिंग जो भी इसकी प्रोसीजर होती है उसमें लाकर इसे शुरू करना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक हमारे अंदर भी जो कमियां हैं, हमें अपने आप को भी देखना चाहिए कि हमारा भी बहुत सारा एटीट्यूड बहुत चलता है वाला हो गया, कि ये है तो चलता है, अच्छा रास्ते ख़राब है तो चलता है, करप्शन है तो चलता है, पोल्यूशन है तो चलता है, चोरियाँ हो रही है तो चलता है। तो अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम लोग खुद अपने लेवल पर अगर सोचेंगे नहीं, हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, तो फिर सारी चीज़ें फिर चलता है, फिर कश्मीर में रेप हो गया चलता है, सूरत में हो गया चलता है, फिर हम हर चीज़ को हमें चलता है करना। हमको थोड़ा सा जागरूक होना है, हमको थोड़ा सा अपने हक समझने हैं, हमारे राइट समझने हैं, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या नहीं है, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर सकती है, क्या नहीं कर रही है, हमें अपने राइट्स के लिए फाइट करना है। मैं सिर्फ इस रेप केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़, हम हर चीज़ के लिए बहुत लेट बैक हो जाते हैं कि ये हमको सब आयते पे रायता चाहिए, वैसा नहीं होता है। हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना होगा, हमें आवाज़ उठानी होगी, वरना एक 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 चीज़ करके ये भी बहुत आम एक क्राइम हो जाएगा, और हम लोग अरे यार ये तो रोज़ ही पेपर में आ रहा है, इसमें नई बात है, ये भी आम होकर रह जाएगा। तो सिर्फ रेप की बात नहीं है, जो भी चीज़ है, जो भी कमियाँ हम तक नहीं पहुँच रही है, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, हर चीज़ के लिए जागरूक होना चाहिए, अपने राइट्स हम लोगों को समझना चाहिए, वरना फिर हर चीज़ के लिए चल रहा है। We can now keep a capital punishment for them. We should mandate. There should be. Why not? And in cases like this, why not? If not in cases like this, then which cases? Only bomb blast. That's what I began with. Only bomb blast is not an act of terror. कुछ सवाल इधर मैडम से करो सर। दो हफ्ते में 3 रेप केस हो चुके हैं हिंदुस्तान में, प्रधानमंत्री की तरफ से स्टेटमेंट और विजय पोस्ट चले गए। सर देखिए, एक्चुअली इसका जवाब हम लोग पॉलिटिकल लेवल से सीधे ही दे सकते हैं। मैं छोटा सा ही बोलना चाहता हूँ कि मेरा नाम सिया चावड़ी है और हम शिया पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, शिया मुस्लिम समाज के पॉलिटिकल लीडर हैं। 6 साल पहले पार्टी बनी थी तो हम लोगों ने उस टाइम से ही बीजेपी को सपोर्ट किया, लेकिन आसिफा का मैटर ले लीजिए या उन्नाव का मैटर ले लीजिए या जो भी जिस तरीके से एक सिचुएशन बनी हुई है, तो अब हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि 2019 में हम ऐसी सरकार का सपोर्ट करें या ना करें। ये सबसे बड़ा डिसीजन हम लोगों के लिए यही है, ये चीज़ है। और मैक्सिमम समझिए कि 90% हम तो ये काम अब नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिचुएशन देखी हुई है, रेप से लेकर के, बिजनेस से लेकर के, और भी सारी चीज़ों के लिए जिस तरीके से परेशानियाँ हम लोगों को हो रही हैं, एक आम आदमी को जिससे जितना दुश्वार है, तो गवर्नमेंट इज टोटली फेलियर कर सकते। Ma'am, what do you want to say, the mindset, how can we change the mindset towards men? Mindset, देखिए हमारा बन चुका है औरत को लेके। मैं ये चाहती हूँ कि सोचती हूँ कि इस देश की जो बेटी है वो हर एक बेटी एक समान है, तो हमारी देश की बेटियों की सुरक्षा और किसी के हाथ में नहीं, हमारे खुद के हाथों में है। वी मेक द गवर्नमेंट,
हम सरकार बनाते हैं तो हम सरकार को ये चुनौती भी दे सकते हैं कि हमारी सुरक्षा कीजिए, यदि आप असफल रहते हैं तो इसके लिए हमको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए हमको ही कुछ करना पड़ेगा, तो फिर हम आपको क्यों वोट देंगे। तो इसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि हमारी बेटियों को सुरक्षा दें। 2014 में बेटी बचा बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, अब लगता है कि वो वादे सब फेल हो चुके हैं। वो नारा नहीं था, वो जैसा कि हम सब यही बोल रहे हैं कि वो नारा नहीं था, वो एक क्या है वोट खींचने के लिए ना उन्होंने बहुत झूठी बातें किया, तो एक जुमला समझ लीजिए या एक चुनौती समझ लीजिए कि अपनी बेटियों को बचा लो, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, हम तो ऑलरेडी फेल हैं। ये बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना मतलब कि आप सीधा राष्ट्र को वगैरह सब लगा देंगे, हमारे सबसे पहली बात ऐसे प्रधानमंत्री को मैं अभी बोलने के लिए भी मुझे भी कुछ शब्द नहीं मिल रहे हैं, इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और वो विदेश कर रहे हैं, ये सब उनको सब कुछ रद्द करते हुए देश के बारे में सोचना चाहिए। आज हमारे युवा कहाँ जा रहे हैं, युवा के और निचले स्तर पर आ जाएंगे तो आप तो बच्चे की ये हालत हो रही है हमारे देश में, आप विदेश किस लिए इसके लिए जा रहे हैं, किनके फ्यूचर के लिए, यही बच्चों के लिए, और इस तरीके से हो रहा है एकदम बहुत ही शर्मनाक। आज जो हमारी गैदरिंग हुई बैटरा ईस्ट को लेकर हमारे इस प्रोग्राम में इस लोकेशन में हमारे सब लोग हमारे पूरे साथीदार जुड़े हैं, उनके बाद बड़ी खुशी हुई कि बैटरा ईस्ट का एक बैटरा टर्मिनस और इधर का हिस्सा नहीं, काफ़ी यहाँ से भारत नगर, यहाँ पर BJC से टेकरी गोलीबार बहुत सारे लोग इसमें जुड़े और इसके कंधे से कंधा हमारे साथ मिलाया और इस प्रोग्राम को एक ऐसा स्तर दिया कि वो आज आपके सामने we already looking after that the one advocate is the Mrs. that she is playing from last couple of days, but thing is that child abuse or such things, which we are such pressurized in India nowadays, we are facing a lot of problems, and we hopefully in short of time we also taking a good step as per the legal act. This is now becoming now politically, now religious issue is becoming now. You know very well, the thing is that you always seen one thing, that religious, politically, we have to drop such thing and focus on that social cause and social issue. That's it. Thank you.